मित्रों, कल अवशिष्ट रह गए थे तुला से लेकर के मीन राशि तक के चंद्रमा के फल को। आप देखिए, तुला राशि में चंद्रमा होने से क्या फल होगा। आचार्य क्या कहते हैं कि देव ब्राह्मण साधु पूजनरत प्राज्ञ सुचि स्त्री जीता प्रांशु सुन्नतनाशिक कृषक चलत गात्रो अतनोर्थान्वित हीनांग क्रय विक्रयेशु कुशलो देवदिनामासरु बंधु नाम उपकार कृत विरूपितः त्यक्तश्चतहि सप्तमे। ये तुला सप्तमी अर्थात सातवीं जो राशि है तुला, उसके फल में कह रहे हैं कि तुला राशि में चंद्रमा होने से वह क्या होता है, देव ब्राह्मण साधु जनों की क्या करता है, पूजा करता है, विद्वानों का आदर करता है, पवित्र मन से करता है, और ऐसी जातक स्त्री के अधीन होता है और बहुत सारा भोगोपभोग सामग्री को भी प्राप्त करता है, अर्थात भोगी होता है, लंबा व्यक्ति होता है लेकिन पतला होता है, चंचल दिमाग वाला, उन्नत नासिका वाला, चतुर्बुद्धि और किसी भी कार्य को करने की निपुणता रखता है। ये एक वैशिष्ट है तुला राशि स्थित चंद्रमा का जो आपने देखा। अब आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्थित चंद्रमा का क्या फल हो। आचार्य यहां कहते हैं कि पृथुल नैन वक्षा वृत्त जन्वो जंघोरु जानुः जनक गुरु वियुक्ता शैशवे व्याधितश्च नरपति कुल पूज्यः पिंगलः क्रूर चिष्टो जसु कुलिख गान कहा छत्र पापो अली जाता छन्न पापो अली जाता। अली जाता वृश्चिक उत्पन्न, वृश्चिक में उत्पन्न जो जातक है वो क्या करता है, उसके वक्षस्थल नेत्र बड़े बड़े होते हैं, जंघा उंगुलियां उरु ये बड़े सुंदर होते हैं और गुरु से रहित होता है, अब बाल्यावस्था में रोग ग्रस्त भी रहता है, बहुत सारे रोग उसको होते हैं लेकिन युवावस्था और वृद्धावस्था में वो रोग से मुक्त हो जाता है और राजकुल में पूजित भी होता है, पीतवर्ण का होता है, उसके हाथ पैर शरीर अंग जो है वो अच्छे अच्छे अंगों से उनकी बनावट होती है और गुप्त रूप से पाप कर्म करने वाला भी होता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से वह अच्छे कर्मों को लिए देखा जाता है लेकिन पर्दे के पीछे वह गलत कार्यों को करता। अब आप देखें धनु राशि में स्थित चंद्रमा का क्या फल होगा। आचार्य कहते हैं कि व्यादीर्घस्य शिरोधर प्रति पितृधन त्यागी कबीर बिरजमान वक्ता स्थूल रदस्रवोधर नसः कर्मोद्यतः शिल्पवित् कुब्जांसः कुनखी सुमान लजभुजः प्रागल्भ्यमान धर्मवित् बंधो वित्न बलात् समेति च वशम् सांगनैक साध्योस्वजः। ये कह रहे हैं आप धनु राशि के फल को। आचार्य कहते हैं कि यह जातक क्या होता है, विद्वान और धार्मिक होता है, राजाओं से पूजित भी होता है, देवगण और सारी समाज से श्रेष्ठतम, पवित्र, अपने कार्यों में कल करने वाला, कुशलता, दानी और कार्यशील और बहुत सारे शिल्प शास्त्रों को करने वाला भी वह होता। ऐसे जातक का जो ग्रीवा होता है वह सुख और कान बड़े कान ओष्ठ ये मोटे मोटे होते हैं, दांते भी मोटी होती हैं। यह जातक बंधुओं का द्वेषी भी होता है, वह बल प्रयोग से के कसी बसी भूत हो करके कई प्रकार के गलत कार्यों को भी करता है और प्रीति के बस में होने से भी वह स्त्रियों में आसक्त रहता है। अब मकर राशि में गए हुए चंद्रमा के फल को आप देखें क्या कहते हैं कि नित्यम लाल यति स्वदार तनयान धर्म ध्वजो धः कृशः स्वच्छः क्षाम कटि गृहीत वचनः सौभाग्य युक्तो लसः सीतालुर्मनुजोटनश्च मकरे सत्वाधिकः काव्यवित् लुब्धो अगम्य जरान गतासु नीरतः संत्यक्त लज्जो घृणः। ऐसा आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि यदि मकर राशि में चंद्रमा हो किसी के जन्म के समय में तो अपनी स्त्री और दासियों से प्रेम करता है वह व्यक्ति,
और उनके पोषण में ही तत्पर रहता है। ऐसा जातक घमंडी होता है, दंभी होता है, झूठे का दंभ भरता है और कमर के नीचे उसे रोग और व्याधि भी रहती है। आंखें सुंदर और पतली भी होती हैं और एक ही बार में कई बातों को कह देने वाला और आलसी भी होता है, साथ ही भ्रमण करने वाला और बलवान और गलत गलत स्त्रियों के साथ रहता है, निर्लज भी होता है और दया से रहित भी रहता है। अब आप कुंभ राशि का फल देखें। आचार्य कहते हैं कि कुंभ राशि का क्या फल होगा, यहां बता रहे हैं कि करभगलहा सिरा लुख रोम रोमस दीर्घ तनु पृथु चरणोर पृष्ठ जघनास्य कटिर जठर पर्वतिन पर्वनितार्थ पाप निरतः क्षय वृद्धि युक्त प्रिय कुसुमानुलेपन सुहृत घट जो अध सहा। ऐसा कहते हैं कि कुंभ राशि का जो जन्म है वह वस्तुतः गर्दन उसका ऊंट के जैसा होता है, ऊंचा गर्दन वाला, उसकी शरीर की सिराएं नसें जो दिखती रहती हैं हरे हरे रंग की आपको, उनके रोम जो है रूखे होते हैं, बाल लंबे शरीर का सा होता है, पैर और उसकी उंगली जंघा उनके मोटे मोटे होते हैं, मुख भी चौड़ा होता है, साथ ही मूर्ख होता है और अपने कार्य को केवल करने में गति रखता है, इन सभी प्रकार के लाभों से युक्त होता है और फूल चंदन मित्र आदि से भी वह युक्ति रखता है, अर्थात चंदन का प्रिय, पुष्पों का प्रिय और मार्ग चलने में भी समर्थ होता है, ऐसा आचार्य का यहाँ पे आशय है। अब आप देखिए यदि मीन राशि में चंद्रमा हो तो क्या होगा, ऐसा कौन सा वैशिष्ट है जो आएगा, तो कह रहे हैं कि जलधर घन भोक्ता दार वासोनुरक्त समरुचिर शरीर तून नासो बृहत कह अभिभवति सपत्नान स्त्री जितश्चारु दृष्टि द्युति निधि धन भोगी पंडितश्चा चांत्यरासौ अंत्यरासौ। अर्थात मीन राशि में यह क्या करता है, तो कहते हैं कि मीन राशि का चंद्रमा होने से जल में उत्पन्न मोती संखादि इनके व्यापार और कार्यों को देता है, स्त्रियों के बस में अनुरक्त होकर के वह शरीर सम और सुंदर होता है, ऊंची नासिका से युक्त होता है, शत्रुओं को जीतने वाला, साथ ही स्त्रियों में के वशीभूत भी होता है, उसके नेत्र भी सुंदर होते हैं और कांतिमान होते हैं, ऐसा जातक भूमिगत धन को भोगने वाला साथ ही विद्वान भी होता है। अब देखें आप कि जो राशियां कही हमने जन्म के लिए उसमें तारतम्यता कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से जानेंगे। आचार्य कहते हैं कि बलवती रासौ तद अधिपतौ च स्वबल युक्त स्याद यदि तुहिनांशु हो कथित फलानाम अविकल दाता शशिवद अतो अन्य अपि अनुपरिचित परिचिंत्या। ये आचार्य कहते हैं, इसका आशय है कि चंद्रमा का जो संबंध, चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि पे हो और उसी चंद्रमाधिष्ठिक राशि स्वामी यदि बलवान हो तो चंद्रमा बलवान और यदि निर्बल हो तो निर्बल होता है, यदि तीनों अर्थात चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जिस पे बैठा है वो राशि और चंद्रमा, इन तीनों में जो बली हों उन दोनों बलों के आधार पर ही फल का न्यास करते हैं और तब सूर्यादि ग्रहों के मेषादि राशियों में होने के अलग अलग, इसीलिए फल में भी भाजन भी किया गया। यहाँ चंद्रमा के बारहों राशियों में क्या फल होगे, किस प्रकार से उसकी गणना करेंगे, इस विषय को यहाँ पे अवगत आचार्य ने कराया है। अब आप देखें सारांशिका के विषय में, इस पाठ को हमने जो पढ़ा उसका मूल क्या है, मूल ये है कि मेष से आरंभ करके मीन पर्यंत सारे राशियों के फलों को आचार्य ने बताया और उसमें कुछ अच्छे फल भी हैं, कुछ बुरे फल हैं, कुछ मिश्रित हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे हैं जिसमें इनका, इनकी स्थिति जो है वो उत्तम ढंग से बताई गई है कुछ राशियों में, और कुछ राशियों में विरोधाभास भी है कि इसमें संदेह है,
ऐसा धनु में नहीं करेगा, मीन में करेगा, मीन में नहीं करेगा, कुंभ में करेगा, मेष में करेगा। तो ऐसी बातों को ध्यान में रख करके हमें चंद्रमा के शुभाशुभ का विचार जातक के जन्म समय में करके तब उसके उससे उसके फलों को अवगत कराना चाहिए। आइए मित्रों, ये यही पाठ विराम लेते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं दूसरे पाठ के लिए। धन्यवाद।